इस वक्त मैं खड़ा हूँ मध्य प्रदेश के देवास जिले की हाटपिपलिया विधानसभा में, जहाँ पर देवास जिले का मुख्य मार्ग है जो कि नेवरी फाटा से बागली तक जाता है। और इस मार्ग पर बरसों से लोग इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पर रोड बने, पुलिया और रास्ते बने। जैसे तैसे कई वर्षों में रोड तो यहाँ पर बन गया, लेकिन पुलियाओं की किस्मत अभी तक नहीं खुली है। और ये पुल और पुलिया कुल 6 हैं और 2018 में इनकी मंजूरी हुई थी, उसके बाद से लगातार निर्माण का काम बिल्कुल धीमी गति से चल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी भी ये 2022 है और अभी तक धीरे 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 मेन लोगों को लगाकर ये काम यहाँ पर ठेकेदार कर रहा है, लेकिन 5 से 6 साल होने जा रहे हैं धीरे धीरे। और अब अभी तक ये पुल जो 6 यहाँ पे बनने थे ये बने नहीं है, और लोगों को अच्छे रास्ते के बावजूद भी यहाँ पर नीचे पुलिया के नीचे से गुजरना पड़ता है, जो कि बहुत ख़राब है, गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी ने इस रोड, इस रास्ते को बर्बाद किया हुआ है। 2 विधायक यहाँ पर बीजेपी के हो चुके हैं, लेकिन उनके बाद भी अभी तक ये रोड रास्ता बना नहीं है। दीपक जोशी जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन पर ये आरोप लगते थे कि उनके समय में विकास नहीं हुआ, लेकिन अब यहाँ पर मनोज चौधरी विधायक हैं, उसके बाद भी अब तक विकास की गाथा यहाँ पर नहीं लिखी जा सकी है। और अभी तक ये काम यहाँ पर धीरे धीरे जारी है। और कहा यह जाता है कि यहाँ के जो ठेकेदार है वो गुजरात का है और लोगों की ज़्यादा सुनता नहीं है, नेताओं की ज़्यादा सुनता नहीं है। तो इस तरह से ये बीरबल की खिचड़ी धीरे धीरे यहाँ पर पक रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ये पुल और पुलिया कब तक तैयार होंगे। और मैं आपको खासतौर पर बता दूं कि देवास ज़िले का ये मुख्य मार्ग है, यानी कि देवास मुख्यालय जो जिला मुख्यालय है वहाँ से ज़िले में जाने के लिए यही एकमात्र मुख्य मार्ग है। और बरसों से रोड, रास्ते और पुलिया का इंतजार कर रहा है, और अब तक यहाँ के नेता इसे 12 मासी नहीं बना पाए हैं। जब भी बारिश होती है ये पुलिया सब ऊपर बहती है और यहाँ पर लोग, रास्ता, ट्रैफिक सब कुछ जाम हो जाता है, यानी पूरा ज़िला जाम हो जाता है। लोगों को आस्था से होकर के घूम करके जाना पड़ता है, लेकिन अभी तक राजनीतिक नेतृत्व ने यहाँ पर अपना प्रभाव दिखाकर इस काम को तेज़ी से बढ़ाने का प्रयास नहीं किया है। अब देखने वाली बात होगी कि ये पुल और पुलिया कितने दिन में तैयार होती है। देवास लाइव के लिए सौरभ सचान। Yeah, I'm going to go to the hospital.